السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق معزز ناظرين फितनों के दौर में मुसलमान मर्दों को या मुसलमान औरतों को फितने में जो लोग मुब्तला करते उन्हें और गलाते हैं उनके लिए सज़ा क्या है मुसलमान मर्दों को या मुसलमान औरतों को फितने में मुब्तला करने की सज़ा आइए देखते हैं क़ुरान की रोशनी में अल्लाह रब्लमिनसात फरमादी फ़तमीनमिन बेशक जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को फ़ितने में मुबला करते हैं फ़ोलम यतुबू और वो तोबा नहीं करते फ़लह एज़ा जहन्नम तो उनके लिए जहन्नम का दर्दनाक अजाब है वलहम एज़ाबुलरीक़ और जहन्नम के अंदर उनको आग का अजाब दिया जाएगा जो लोग मोमिन मर्दों को या मोमिन औरतों को फितने में मुबतला करते हैं हजरात इस पुरफितन दौर में सरजमीने कर्नाटका के अंदर मुस्कान नामी एक बहादुर बच्ची ने जिस तरह से अपने ईमान और अकीदे की सालमियत के लिए उसने बहादुरी का मुजाहरा किया अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए जिस तरह से उसने बहादुरी का मज़ाहरा कियाबिल मुबारकबाद है अल्लाह रब्बुल रब्लम उसके जान की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए उसके ईमान की उसके अकीदे की हिफाजत फरमाए मजीद रब्बुल रबालमीन उसे ईमान और इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक कराय फ़रमाए हजरात आप जानते हैं कि सरजमी कर्नाटका में कॉलेज़ और इस्कूलों के अंदर बुरक़े पर पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी औरत कोई भी लड़की बुरका पहन कर नकाब पहन कर के वो इस्कूल अटेंड नहीं कर सकती क्लास अटेंड नहीं कर सकती और हालात बिगड़ते जा रहे थे मुस्लिम बच्चियाँ प्रोटेस्ट कर रही थीरारत कर रही थी, थी। दौरान मुजाहरा नारेबाजी शुरू है ये कुछ बजरंग दल के और कुछ गुंडे किस्म के संगठनों के गुंडों ने ऐसे सीधा सीधा बोलिए जो ज़ाफ़रानी गुंडे होते हैं कुछ ज़ाफ़रानी आरएसएस के गुंडों ने उन बच्चियों के सामने नारेबाजी शुरू किया और उन्हीं के सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्कान नामी बच्ची ने डट करके मुकाबला किया उसने बड़े ही दिलेरी और बहादुरी के साथ उसने नारे तकबीर बुलंद किया अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा और उसकी उस सदा में इतनी तेज़ी थी कि रब्बुल आलमीन ने उसकी आवाज़ को पूरी दुनिया में हर कान तक हर शहर हर बस्ती हर मुल्क तक पहुँचाया चूँकि उसकी सदा में उसकी पुकार में खलूस थी लिल्लाहियत थी हजरात तो हालात के मुनासबत से ऐसे फितने ऐसे वारदात रूना हो रहे हैं हुए हैं और क़यामत तक होते रहेंगे ऐसे वारदात से हमें और आपको घबराना नहीं चाहिए ऐसे वारदात से हमें और आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि हमें और आपको हक और सच्चाई पर जमे रहना चाहिए यही हमारे मजहब की तालीम है पहले दूसरी चीज़ जो है ए, उस बच्ची के उस जज्बे को हिंदू और मुस्लिम का रंग नहीं देना चाहिए जो लोग उस बच्ची के जज्बे को उसके उस सदा को उसके उस नारे तकबीर को हिंदू और मुस्लिम का रंग दे रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की शक्ल दे रहे हैं वो अपनी सियासत को अपनी सियासत को गर्म करने के लिए अपनी सियासत को कामयाब बनाने के लिए अपनी सियासत की रोटी सेंकने के लिए ऐसा कर रहे हैं उस बच्ची ने हक़ की लड़ाई लड़ी है अपने हक़ का मुतालबा किया और हक़ के मुतालबे के लिए उसने रबालमीन से मदद मांगी रबालमीन का सहारा लिया कोई ग़लत नहीं किया तो इस लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम का रंग देना हिंदू और मुस्लिम का शक्ल देना बेबुनियाद और ग़लत है ऐसा नहीं करना चाहिए बहरहाल ऐसे लोग जो ऐसे मुसलमान मर्दों औरतों को फितने में मुबला करते हैं उनके चैन और सुकून को गारत करते हैं रब्बुल रबालमीन ऐसे लोगों से इंतकाम लेगा वो किसी भी संगठन के हूँ आर एस एस के हों बजरंग दल के हों हिंदू युवा वाहिनी के हों किसी भी संगठन या कोई मुस्लिम ही संगठन हो और अगर वो किसी इंसान को फितने का शिकार बनाता है उसके सुकून को गारत करता उस पर म करता है उस पर अत्याचार करता है तो रबालमीन उससे इंतकाम लेगा दुनिया में भी उसको जलील करेगा और आखरत में भी रब्बालमीन उसको दर्दनाक अजाब से दोचार करेगा लिहाजा हमें और आपको हर कस्म के फितनों से बचने की कोशिश करना चाहिए और बचना चाहिए हम रबालमीन से दुआ करते हैं कि बार हम तमाम मुसलमानों को हर किस्म के फितनों से बचने और बचाने की तोफ़ी कन आमिर वरह वा कितना मेट्रा